मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दी हुई बच्चों 9, 17, 25 एंड सो ऑन है ना, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब आपको एक एपी दी हुई है और ये सम दिया है, यानी एन पदों का सम है 636, यानी एस एन इजकल टू 636 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है बच्चों, एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हम एस एन का फार्मूला जानते हैं, एस एन इजकल टू सम ऑफ एम टर्म इजकल टू लिखेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब देखिए एस एन का वैल्यू है वो यहाँ पर रख देते हैं हम, 636 इज इक्वल टू एन आपको निकालना है बच्चों, तो एन बाई टू एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है यहाँ से 2 × 9 प्लस एन माइनस वन, और डी आप इधर निकाल लीजिए। डी क्या होता है बच्चों, ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी इजकल टू ए टू, इसको नाम नंबरिंग कर दिया ए वन ए टू ए थ्री एंड सो, तो 17 − 9, तो यहाँ से डी का वैल्यू आपको मिल गया 8 बच्चों, तो यहाँ 8 लिख दीजिए आप। ठीक, अब इसको थोड़ा चाहे तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो एन बाई टू मल्टीप्लाई 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 9 बच्चों, और एन माइनस वन, और यहाँ बचेगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए 636 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 9, और इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9n हो गया, सॉरी है ना, n बाहर है बच्चों, अभी n बाहर है, 9 प्लस 4n माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या हो जाएगा, 636 इज इक्वल टू एन, और ये 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 + 4n, इस n से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 5n प्लस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और यहाँ 636 इसको उधर भेज दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5, इसको पहले लिख लेते हैं हम, तो क्या लिख लिया, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये उधर गया तो माइनस हो गया 636, और इक्वल टू 0 इधर लगा तो इधर लगा सकते हैं हम, पूरी को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। तो इसको हमको सॉल्व करना, तो अब यहाँ पर मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट स्प्लिट ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म से भी हो जाएगा ये, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले निकालते हैं हम डी, तो देखिए ए इजक्ल टू हो गया यहाँ पर 4, बी इज इक्वल टू है 5, और सी इज इक्वल टू है −636, है ना, ये किससे कंपेयर किया, चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजक्ल टू 0, इससे कंपेयर करने पर ए बी सी हमको ये मिला है बच्चों। अब यहाँ से d बराबर होता है, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है ना, माइनस 4, a का वैल्यू है 4, और c का वैल्यू नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 636 है ना। इसको सॉल्व करें हमने तो हमारे पास इसको, ये तो हो गया 25 बच्चों, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 4 × 636 को अगर हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आपको जो मिल रहा है आंसर वो ये रहा 10176 इधर, यानी आप 636 में ये 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10176 मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 10201। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 10201, ये डी का वैल्यू है। तो अब एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी एक्स मतलब यहाँ एन है। सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए होता है बच्चों। अगर इसमें वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या आएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी है 10201 अपॉन 2 इंटू ए, ए का वैल्यू है बच्चों 4। अब ये 10201 का फैक्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो आपने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा बच्चों, क्या है 10201 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करें, इसके पहले पैर पीछे से पैर बनते थे, ये पैर बना फिर ये और वन सिंगल बचा आपका। तो आपको ऐसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना है कि इस वन से ज़्यादा नहीं हो, तो वन का ही कर सकते हैं, वन का वन में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इधर ऐड करना। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका और यहाँ हो गया 2, और ये कैंसिल होने के बाद आपका 02 एक पैर आएगा नीचे। अब इसके आगे ऐसी संख्या से आपको गुणा करना है, मतलब लिखना है कि इस 2 से ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो 1 का 21, तो 21 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 का 0 में किया, 0 का 2 में किया, तो 0, और जिसका आपने यहाँ पर संख्या लिखी वही ऊपर लिखना है ऊपर। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचेगा, ऊपर से एक पेयर आ गया तो ये 201 हो गया। इधर आपको ये 0 में 0 ऐड करेंगे तो 20 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि 201 से ज़्यादा ना हो, तो 1 ही लिख सकते हैं बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 201। तो आपका जो इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो कितना है, 101। तो इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा है, इसलिए एन बराबर हो गया बच्चों -5 प्लस माइनस, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 101/8। अब आपको एन की वैल्यू के लिए एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव, कहाँ पर, ये पीछे का। तो एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो एन का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो एन इज इक्वल टू -5 प्लस 101/8। तो देखिए 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 96 प्लस का बाय 8, तो 96/8, इसको 96 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होता है, तो आपको 12 मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर आपको एक आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 12, ये एक आंसर है ना। अब नेगेटिव साइन भी ले लेते हैं, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो एन इजकल टू -5 -101/8, यानी पीछे का साइन, आगे का वही रहेगा, पीछे वाला एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो ये हो गया माइनस का 106/8। और ये कैसा नंबर है बच्चों, ये नेगेटिव नंबर है, और एन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये नॉट पॉसिबल है ना, या रिजेक्ट लिख दो है। तो n इज इक्वल टू आपका 12 रिक्वायर्ड आंसर हो गया था। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आपको Sn का वैल्यू दिया है, Ap दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म यानी n का वैल्यू निकालना था। हमने Sn का फार्मूला लिखा, सम की जगह 636 लिखा, a फर्स्ट टर्म 9 लिख दिया, कॉमन डिफरेंस 8 लिख दिया, और सॉल्व करा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हमको। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल किया, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, डिस्क्रिमिनेंट आया 10201 है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लिया तो 101 आया, तो यहाँ 101 लिख दिया। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चों और एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव साइन लिया तो एन इजिकल टू 12 आया,
नेगेटिव साइन लिया तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो काउंटिंग एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने आदमी हैं, तो आदमी नेगेटिव नहीं हो सकते, कितने बच्चे हैं नेगेटिव, तो कितनी संख्याएं, तो संख्याएं भी हमेशा काउंटिंग नंबर पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, तो एन इजक्वल टू 12 आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस एन इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 12, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th ले रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है आपकी। क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए इज इक्वल टू 5 हो गया एपी का, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को ए एन भी लिखते हैं और एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये दिया आपको 45। एंड द सम इज 400, यानी एस एन इजक्वल टू 400 हो गया, ये आपको गिवन हो गया बच्चों। अब आपको क्या निकालना है इसमें, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन का वैल्यू निकालना है एक तो, एंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, एक तो सम दिया है एन टर्म्स का और लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म जब दी हुई तो सम का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए फार्मूला लिखा और इसमें जो मालूम है वो वैल्यू रखी, तो ए का वैल्यू 5 रख देंगे, एल का वैल्यू 45 रख देते हैं हम, और एस एन का वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ एस एन की प्लेस पर आपने 400 लिख दिया। एन आपको निकालना है बच्चों, तो एन बाय 2, ए की प्लेस पर आपने 5 लिखा और एल लास्ट टर्म की प्लेस पर 45, ठीक है बच्चों। तो इसको अगली स्टेप में सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ से आता एन बाय 2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा बच्चों, और 2 से अगर 50 को कैंसिल करेंगे तो 25 मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो गया 400 इज इक्वल टू एन इंटू 25, ठीक है ना, 400 इज इक्वल टू एन इंटू 25, इस 25 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम डिवाइड होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो 5 से डिवाइड करके दे, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 होता है, है ना। अब 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा आपका। तो दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिल गया, यहाँ से n इज इक्वल टू, n का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 16। आपको n निकालना था बच्चों एक, और दूसरा आपको निकालना है d। तो इधर हमने साइड में d भी निकाल लेते हैं, देखिए तो d कहाँ से निकालेंगे, nth टर्म दी हुई है आपको, है ना, nth टर्म आपको कितना है, चूंकि ए एन बराबर आपको दिया है 45, तो इसकी nth टर्म की मदद से हम डी निकालेंगे। तो ए एन को लिखते हैं बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए का वैल्यू आपको मालूम है 5, प्लस एन आया 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, पहले 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये 16 माइनस 1 किया तो यहाँ मिल गया आपको 15 इंटू डी, और ये हो गया 45 माइनस 5 उधर चला गया, तो ये हो गया आपको कितना 40, और इधर 15 डी, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए आप, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 बाय 15, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 जा और 5 3 जा 15, और ये 40 होता है, तो D का वैल्यू आपको मिल गया, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 8 बाय 3। तो आपके दो आंसर हो गए, D का वैल्यू 8 बाय 3 हो गया और N इज इक्वल टू 16। तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस N इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 8 बाय 3, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए बच्चों। ओके थैंक यू बच्चों।